सिंपल फुल पॉइंट की तरह ना ना एंड नहीं करना है उसमें और तो ग्रेट करना है और डॉट काम ऐड करना है ठीक है डॉट और फुल स्टॉप का वो तो मैं बोल दे रही हूँ अच्छा ठीक है प्रेसिस्टर प्रेडिक्टर सेंटर डॉट कॉम कौन सा है પ્રદીપ ભાઈ હા તમે લખ્યું છે ને ડે વન ડે ટુ બરાબર છે પણ મોર્નિંગ ને ઇવનિંગ મેં સવારે ચેન્જ કર્યું પ્રશ્ન આયે મેરે સામને ઉસસે મુજે લગા કે નયા કે બારે મે સુના ભલે હોગા આપને પહેલે पर प्रॉपर नॉलेज जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं उसमें काफी डाउट्स हैं और भ्रम है और नयोटी जानकारी हमें बहुत आवश्यक है यदि नयोटी सही जानकारी नहीं होगी तो हम जिनाटम को समझ ही नहीं सकते जैन शास्त्रों को समझना है तो नयोटा सही स्वरूप जानना बहुत जरूरी है जैसे कि हम इंडिया से यहाँ आए रहने आए तो यहाँ की भाषा यहाँ की चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है और बेसिक चीज़ें जो हमें आवश्यक हैं वो शब्दावली जानना बहुत ज़रूरी है तो नए को नहीं समझेंगे तो जिनाटम हम समझ नहीं सकते तो स्टेप मैंने साथ रही मेरे पास पुस्तक है ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी मैंने अभी कहाँ पर है वो मंगवाया है आई डी बता दूँगी आपको तो इसमें 7 लाख बताए हैं सेविन पहला जिनाटम को समझने के लिए नयोटा ज्ञान आवश्यक है दूसरा वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के लिए जिनाटम का सही ज्ञान के लिए थोड़ा सा वस्तु के स्वरूप के सच्चे ज्ञान के लिए भी हमें जिनाटम नहीं समझना जरूरी है आत्मा के सही सम्यक ज्ञान के लिए आत्मा का स्वरूप जानना है तो नयों की आवश्यकता है आत्मानुभव के लिए सांसारिक दुखों से बचने के लिए मिथ्यात्व के नाश के लिए और सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए डिटेल में समझाने के लिए मैंने आपको 7 पॉइंट बताए हैं सातों पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं जैसे हमने कहा कि हमें सच्चा सुख प्राप्त करना है तो उसके लिए तो सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे होगी मिथ्यात्व के सम्यक दर्शन की प्राप्ति से सम्यक दर्शन की प्राप्ति किससे होगी मिथ्यात्व के नाश से मिथ्यात्व का नाश कैसे हो रहा आत्मानुभव से आत्मानुभव कैसे हो रहा आत्मा के सही स्वरूप को जानने से तो ये 5 पॉइंट तो आपको एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे अब आत्मा का जो सही स्वरूप जानना है तो हमें अनात्मा क्या है वो भी जानना जरूरी है आत्मा अनात्मा मतलब जीव को जानना है तो अजीव को जानना है आत्मा का अपोजिट अनात्मा जीव का अपोजिट अजीव तो जीव का स्वरूप भी जानना है और अजीव का स्वरूप भी जानना जरूरी है ठीक है तो वस्तु के सच्चे ज्ञान के लिए अजीव तो जो 6 द्रव्य हैं हमारे और 7 तत्व हैं उसमें क्या है वस्तु स्वरूप में 6 द्रव्य आए हैं और 7 तत्व है तो पहला है जीव और दूसरा है अजीव अजीव में 5 पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल शामिल हो रहे तो यही वस्तु स्वरूप है और आश्रय बंध संबर निजरा और मोक्ष के पर्याय हैं तो इन्हें समझने के लिए भी न समझना जरूरी है तो वस्तु स्वरूप और सच्चे ज्ञान के लिए बोलो आप अथवा जिनाटम को समझना है जिनाटम में क्या है वस्तु का सही स्वरूप है
तो सातवां पॉइंट एक दूसरे कनेक्टिव है, तो हम लिखे इस क्रम से है, याद रखने के लिए क्रम उल्टा क्रम बोल देंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। मैं इसका वो क्लिप भेज दूंगी आपको या पुस्तक ले जाना पड़ता है, अभी आप सुन लीजिए यहाँ पर, अभी बता भी रही हूँ इसके बारे में। पहला है जनाक्रम को समझना है। अभी जैसे हमें इंग्लिश पढ़नी है तो ए बी सी डी सीखनी होगी, मैथ्स पढ़ना है तो उसके प्लस माइनस और जो फार्मूला है वो समझने होंगे क्या होता है, ठीक है ना, उसके बिना हम जान नहीं सकते हैं। तो जनाक्रम समझना है तो उसकी भाषा हमें समझ नहीं रही कि यहाँ किस चीज को क्या बोलते हैं, वो समझे बिना हमारे यदि हम नहीं समझेंगे तो हम जनाक्रम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो नया को जानना इसलिए आवश्यक है। दूसरा वस्तु है, प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण है। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो अनंत गुण है ना, उनके समूह को द्रव्य कहा है, यानी वस्तु अनंत गुणात्मक है। चलिए अब वस्तु के सारे गुणों को हम एक साथ तो कह नहीं सकते हैं, कहने में हमें क्रम आता है। एक साथ बता सकते हैं वस्तु को? कोई हमसे वस्तु का स्वरूप पूछना चाहे हम एक साथ बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? नहीं बोल सकते। जैसे कि मैं आपसे पूछूं ये हॉल कैसा है, आपने देखा और समझ लिया, समझने के लिए आपको कुछ बहुत बताने की जरूरत नहीं, बोलना नहीं है, बस तो पूरा जैसा है वैसा आपने देख लिया। अब बोलना है तो बोलने में आपको अपेक्षा लगानी पड़ेगी। तो आप पूछोगे कैसा है से क्या मतलब आपका, आप क्या जानना चाहते हैं, छोटा है या बड़ा है? तो किस अपेक्षा कि यदि 200 लोगों को बैठना है चेयर पर तो ये सफिशियंट है, 1000 लोगों की अपेक्षा छोटा है, 50 लोगों की अपेक्षा बड़ा है, आने इसे बताने के लिए हमें अपेक्षा लगानी पड़ेगी। तो कहने में कथन करने में नए लगते हैं, अपेक्षा लगाई जाती है, और अपेक्षा पूर्वक जो कथन होती है उन्हें नए कहते हैं। एक दूसरा उदाहरण, मैं गोरी हूं या काली, आप जैसी हो वैसे हो, मैं जैसी हूं आपने देख लिया समझ लिया, पर आपको बोलने के लिए मैंने प्रश्न पूछा गोरी हो काली, तो आप पूछेंगे कि अमेरिकन की अपेक्षा आप काली हो, अफ्रीकन की अपेक्षा गोरी हो। तो गोरा और काला बताने के लिए हमें अपेक्षा लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, मैं मोटी हूं या पतली हूं, फिर अपेक्षा कि हमने जो हाइट है जो है उसकी अपेक्षा जो हेल्थ है वो थोड़ी अधिक है, कुछ तो अपेक्षा है, और जो सुमो वाले मोटे होते हैं उनसे तो पतली हूं, और जो स्लिम होते हैं उनसे थोड़ी मोटी हूं, आने उसमें अपने आप में तो जो हूं वो हूं, तो फिर मुझे अपना वजन बताना पड़ेगा, मैं इतनी हूं, मैं मोटी हूं पतले में जब क्या बताऊंगी, मोटा पतला पर तो अपेक्षा से है ना, अपने आप में तो नहीं है। तो कथन में नए लगते हैं, नए जो होते हैं अपेक्षा सही कथन होते हैं, कोई भी हम कथन बोलते हैं उसमें कुछ ना कुछ अपेक्षा होती है, कभी हम अपेक्षा बता देते हैं और कभी अपेक्षा नहीं बताते हैं। जैन दर्शन का यह कहना है कि हमने अपेक्षा बताई है या नहीं बताई है, आपको आप समझ लेना चाहिए कि इसमें अपेक्षा लगी हुई है, अंडरस्टूड है। कोई सेंटेंस पूरा होता है मैं खाना खाती हूं, मैं करता, कर्ता के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कर्ता के लिए क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नाउन, नाउन नाउन संज्ञा हुआ है ना, नाउन नाउन मैं बोला तो नाउन हुआ ना संज्ञा, और प्रोनाउन बोलते हैं तुम बोला तो प्रोनाउन हो गया मैं या तुम, तो हर सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन होता है, जो नाउन या प्रोनाउन में थोड़ी कर्ता होता है, करने वाला होता कार्य, खाता हूं उठी दिया है वर्ब, तो खाता हूं कौन कर रहा है, मैं या तुम,
तो वो जो नाउन है उसको कर्ता बोलते हैं, प्रोनाउन को कर्ता बोलते हैं, जो क्रिया को करने वाला होता है उसे कर्ता बोलते हैं। ये थोड़ी ग्रामर की चीजें हैं हिंदी की, तो हर चीज में ग्रामर होती है। इंग्लिश भी पढ़ो तो आपको ग्रामर पढ़नी होती है, उसके बिना तो हम लैंग्वेज समझ ही नहीं सकते हैं। तो मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ, मैं खाता हूँ बोला तो जो क्रिया है बिना कर्म के हो नहीं सकती है। तो खाना खाता हूँ, फल खाता हूँ, कुछ ना कुछ आपको आएगा, वो है कर्म। तो हर सेंटेंस में एक नाउन होता है, कर्ता होता है, क्रिया होती है, तो उसके बिना कोई सेंटेंस पूरा नहीं होता है। लेकिन मैंने इतना बोला पीता हूँ, पीती हूँ, तो भी आपने समझ लिया कि कोई लिक्विड चीज है, या नारियल पानी पी रही है, या चाय पी रही है, या पानी पी रही है। तो पीने में मतलब कोई लिक्विड फॉर्म की चीज है, पीना मतलब ये है, वो अंडरस्टूड है उसमें। और वो पी, मैं बोला मैं पीती हूँ, पीते हैं, तो पीती हूँ मतलब एक सिंगल में, पीते हैं मतलब बहुवचन बहुत सारे, तो उसमें वो चीजें अंडरस्टूड है करता, हमने बोला या नहीं बोला। तो वस्तु का जो स्वरूप चल रहा था अनेकांतात्मक है, अनंत धर्मात्मक है, अनंत धर्म है। अब अनंत धर्म का अनेकांत का एक अलग मीनिंग है, जिसके लिए अनेकांत साधवा समझदार रहेगा, वो अभी अपने चर्चा का विषय नहीं है, वो हम इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। अनंत धर्म विद्वान है, तो उसमें जो गुण भी है और धर्म भी है। गुण और धर्म में क्या अंतर है, जो परस्पर विरोधी से प्रतीत होते हैं वो धर्म है, और जो जिनका वो जोड़े से ही होते हैं, धर्म जोड़े से होते हैं, गुण जोड़े से नहीं होते हैं। जैसे कि कपल बोला, कपल का मतलब एक सिंगल पर्सन होता है क्या, कपल मतलब दो, तो धर्म मतलब दो, वो जोड़े से ही होंगे और परस्पर विरोधी से प्रतीत होंगे। तो कपल बोला तो मतलब दो, एक दो पुरुष दो स्त्रियां, नहीं, एक पुरुष एक स्त्री, हस्बैंड वाइफ लवर। तो कपल बोला लवर से है, हस्बैंड वाइफ है, दो जन है पर, और एक स्त्री एक पुरुष है, विपरीत। तो ऐसे धर्म परस्पर विरोधी होते हैं, वो हमारे में विद्यमान है, प्रत्येक द्रव्य में विद्यमान है। तो जो अनंत, उन जो सबको हम एक साथ नहीं कह सकते हैं, वस्तु में विद्यमान है, उन्हें हम जान सकते हैं कह नहीं सकते हैं। तो कैसे जान सकते हैं, प्रमाण से जान सकते हैं, और उनका कथन नयों में होता है। तो हमें वस्तु का स्वरूप जानने के लिए दो चीजें जाननी है, प्रमाण का स्वरूप जानना है और एक नय का स्वरूप जानना है। ये न्याय के विषय में थोड़े सूक्ष्म होते हैं, गंभीरता से सुनने लायक हैं, पर एक बार समझ में आएगा तो मजा आएगा, कि तर्क इस पर ही निर्भर होते हैं, और तर्क के बिना आज की पीढ़ी कोई भी चीज मानती नहीं है, हमें भी स्वीकार नहीं होता है। और तर्क से हम स्वीकार कर लेंगे तो फिर कोई हमें उसमें से, हम उसमें दृढ़ हो जाते हैं, कोई हमें वहां से हिला नहीं सकता है। जैसे कि अभी आपसे रहे कोई कि भगवान तो सभी एक से होते हैं, ईश्वर कहो अल्लाह कहो महावीर कहो, सब एक ही बात है, तो हमारे पास तर्क नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पर तर्क से एक बार आपने समझ लिया तो आप जवाब दे सकते हैं, हाँ ठीक है आप कह रहे हो कि जो मुसलमानों में अल्लाह है, हिंदुओं में ईश्वर है, जैन दर्शन में वैसी उसी टाइप के भगवान होते हैं, पर तीनों में बहुत अंतर है, तीनों सेम नहीं है। और उसमें हम बता सकते हैं तर्क के द्वारा, तो अभी वो बताना अपना उद्देश्य नहीं है, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं कर रही। तो हमने वस्तु का जो स्वरूप है प्रमाण के द्वारा और नय के द्वारा जाना जाता है, वस्तु को जानने के उपाय है प्रमाण और नय। तो प्रमाण की चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ नय की चर्चा कर रहे हैं। कथन में नय आती है, नय ऐसी विशेषता है जो जैन दर्शन में है, अन्य किसी दर्शन में नहीं है, यद्यपि प्रयोग हम दिन रात करते हैं, लेकिन नए नाम से नहीं जानते हैं कि आपके घर से मंदिर पास है कि दूर है। फिर अपेक्षा, अमेरिका में तो इसे ही पास कहा जाता है, समझ रहे हैं, जब हमने कहा अरे बहुत दूर है आप, नहीं अमेरिका की अपेक्षा तो बहुत पास है। फिर आप कैसे बताते हैं, आधा घंटे की ड्राइव, मील में किलोमीटर में नहीं बता रहे हैं,
ड्राइव बोल रहे हैं, तो ड्राइव का क्या है, आधा घंटे की ड्राइव है, तभी वो ड्राइव आधा घंटे की भी होती है, तभी एक घंटे की भी, तो ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड है ना। माइल तो किसी के ऊपर डिपेंड है, माइल तो हमेशा माइल में रहेगा, तो माइल में क्यों नहीं बता रहे हैं कि माइल में बताएंगे तो आप लोग बहुत दूर है, तो हमें उसको दूरी को कम बताना है तो हम ड्राइव में बताते हैं। फिर अपेक्षा आ गई, हम दिन रात आप देखिए, आप कोई भी कथन बोलिए सुबह से लेकर शाम तक जो प्रयोग कर रहे हैं, तो उनमें ढूंढना हम नए कहाँ प्रयोग कर रहे हैं। तो नया का प्रयोग वस्तु अनंत धर्मात्मक है, अनंत गुणात्मक है, उनका कथन अंशों में ही हो सकता है, हम पूर्ण वस्तु का एक साथ नहीं कह सकते हैं। जैन दर्शन में इसका एक फेमस उदाहरण है अनेकांत समझाने का, हाथी का, हाथी कैसा है, तो हम अपेक्षा बता देते जो मैंने अपने ऊपर बताया था, क्या वो आंख है, पीठ की पेट की अपेक्षा कैसा है, पूंछ की अपेक्षा कैसा है, खंभी की अपेक्षा कैसा है, उसमें एक विशेष बात आती है कि जन्मान्य व्यक्तियों ने उसे छुआ, बाद में अंधे हुए उन्होंने नहीं, जो जन्म से अंधे थे उन्होंने उसे देखा, क्योंकि जिन्होंने पहले देखा हुआ है तो उन्हें तो ख्याल में आ जाएगा चीज ऐसा है पूरा हाथी, तो जन्मान्य लोगों ने देखा, तो जिसके हाथ में जो अंश आया उसने पूछा हाथी कैसा है, एक ने बोला पूछ हाथ में आई तो बोला रस्सी जैसा है, पतली रस्सी जैसा है, दूसरे के हाथ में कान आए तो सुपा जैसा है, पीठ आई तो दीवार जैसा है, पैर आया तो खंभे जैसा है, तो सबने अपने अपने हिसाब से बता दिया, तो उसने बोला खंभे जैसा है, तो रॉन्ग हो गया। देखिए बोला हाथी खंभे जैसा है तो नए नहीं नया भास है, और हाथी पैर की अपेक्षा खंभे जैसा है तो सही कथन है, अपेक्षा बता दी तो सही है, आप मान लिए चलो हाथी के ऊपर नहीं, मैं राम और सीता पर हटाती हूँ, जय श्री बनाप पर हटाती हूँ, चलो तो आपको जल्दी ऐतराज होगा राम सीता पर इतना जल्दी होगा, मैं बोलूं आपसे आप पत्नी ही हैं, क्या बोला मैंने, जय श्री बहन पत्नी ही है, ऐतराज हो गया, नहीं मैं सिर्फ पत्नी नहीं हूं, मैं बेटी भी हूं, मैं माँ भी हूं, तो मैंने अपेक्षा नहीं बताई और ही लगा दिया, तो आपको ऐतराज हो गया, तो नया भास हो गया। अब मैंने कहा आप अपने पति की अपेक्षा पत्नी ही हैं, कोई ऐतराज नहीं, पति जी तो मैं पत्नी ही हूं। अब मैंने बोला आप पत्नी भी हैं, कोई ऐतराज नहीं, मैंने अपेक्षा नहीं बताई, अपेक्षा बताओ ही लगाओ, राम सीता राम की पत्नी ही है, अपेक्षा बताई राम की अपेक्षा पत्नी ही है, अपेक्षा नहीं लगाई तो भी लगेगा, सीता पत्नी भी है चलेगा, तो जहां अपेक्षा बता दी जाती है वहां ही का प्रयोग होता है, जहां अपेक्षा नहीं बताई जाती है वहां भी का प्रयोग होता है, अथवा किसी अपेक्षा, तो किसी अपेक्षा पत्नी भी है चलेगा, राम की पत्नी ही है और पति की पत्नी ही है और किसी अपेक्षा पत्नी भी है, ठीक है, तो ये अपेक्षा का कथन नयों में होता है, अपेक्षा बताए बिना कथन करेंगे तो वो दुर्नय हो जाएंगे, निरपेक्ष अपेक्षा रही कथन दुर्नय, नए नहीं है, दुष्ट नय है, नया भास है, नए का उसमें आभास है, नए नहीं है वो, हाँ। तो इसलिए जितने भी कथन होते हैं नयो में अपेक्षा सहित ही होते हैं। अब निश्चय विभ्यार नय जो हमने चर्चा की थी कैसे जाते कहते हैं, तो उनके भी अपेक्षा सहित कथन है, तो जब जिस अपेक्षा से कथन होता है वो 100% सही है, पति की अपेक्षा सीता पत्नी ही है 100%, अन्य की अपेक्षा 1% भी पत्नी नहीं है, पिता की अपेक्षा बेटी ही है, अब से उसे पिता नहीं, माता पिता की अपेक्षा बेटी ही है, माता पिता की बेटी भी है जरूरत, ठीक है ना, वहां दो लेने पड़ेंगे, पति में तो एक ही लिया है, माता पिता में दो लेने पड़ेंगे, अब मैंने बोला पिता की ही बेटी है तो फिर रॉन्ग हो गया,
जैसे आपने कहा था पत्नी पति जी ही पत्नी है, तो मैं समझ लिया पिता जी ही बेटी है, तो इस पर रोन क्यों, उसमें सही क्यों है? माता तो माता जी भी बेटी है ना, तो माता पिता जी बेटी ही है, सही हो गया। तो कहां ही लगाना, कहां भी लगाना, कब अपेक्षा बताना, ये नए बताते हैं हमारे लिए। नयों में इसका कथन आता है, तो ये नया अपेक्षा पूर्व कथन को ही नय कहते हैं, और वस्तु के सच्चे ज्ञान के लिए नयों की आवश्यकता है। तो ये ऑनलाइन आपको पुस्तक नए चैप्टर गाइड मिलेगी, तो इनमें से पूरा ये पहले पेज का सारांश मैंने आपको बता दिया है, पूरा रीडिंग नहीं कर रही हूँ, फिर आप ढंग से रीडिंग करके आएंगे अच्छा रहेगा। अब जो हमने 7 पॉइंट बताए थे, तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए, पहला जिनारम को समझने के लिए, दूसरा वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के लिए। तो वस्तु अनंत गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक है, तो अनंत गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक वस्तु को अंशों के रूप में ही कथन किया जा सकता है, इसलिए नयोटा जानना जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्लियर। अब हमारे तीसरे से लेकर 7वें तक का पॉइंट, सांसारिक दुखों का नाश और सच्चे सुख की प्राप्ति मिथ्यात्व के नाश के बिना संभव नहीं है, क्लियर। और मिथ्यात्व का नाश आत्मानुभव के बिना संभव नहीं है, और आत्मानुभव आत्मा की सच्ची जानकारी के बिना संभव नहीं है। तो आत्मा के सही स्वरूप जानने के लिए हमें अध्यात्म के नए जानने पड़ेंगे। अब मैंने एक सेंटेंस और जोड़ दिया। अब ये देखिए पुस्तक है नए चैप्टर गाइड, इसमें अंदर लिखा है बीच में अध्यात्म के नए, तो इसका मतलब नए भी अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ एक आगम के नए है, उसकी पुस्तक अलग है मेरी, इनको मैंने दादा की पुस्तक है परम भाव पिटासक नए चक्र, इतनी मोटी पुस्तक है 400-500 पेज की। अब आप 500 पेज देखते ही आपका मुंह बन गया और नहीं समझ में आ रहा, तो उनको छोटे छोटे पार्ट में डाइट रूप में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो ये सिर्फ अध्यात्म के नए हैं जो आत्मा को समझने समझाने के काम में आते हैं। तो जितने हमारे वचन होते हैं उतने ही नए हो सकते हैं, लेकिन समझने समझाने के लिए उनके हमने मुख्य मुख्य भेद किए हैं। तो एक आगम के नए हैं, एक अध्यात्म के नए हैं। अब दोनों में क्या अंतर है? तो 6 द्रव्यों को समझने समझाने काम में आते हैं, जो 6 द्रव्यों को समझाए जाते हैं वो आगम के नए हैं। तो उसमें द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए आते हैं। अब ये आगम के नए में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दो क्यों आते हैं? कि द्रव्य किसे कहते हैं? इन्होंने एक परिभाषा बताई थी, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तब मुझे गुणात्मक और अनंत धर्मात्मक वस्तु समझानी थी। अब एक दूसरी परिभाषा तत्वार्थ सूत्र की, वो तत्वार्थ सूत्र जो श्वेतांबर दिगंबर में समान रूप से मान्य है, गुण पर्यायवत द्रव्यम, जिसमें गुण और पर्याय पाए जाए उसे द्रव्य कहते हैं। पढ़ी हुई है? तो गुण पाए जाए और पर्याय पाए जाए, तो द्रव्यार्थिक नय का द्रव्य और पर्याय को जानना पर्यायार्थिक नय। गुण तो दोनों में शामिल हो जाते हैं, गुण का स्थिर अंश द्रव्य में शामिल हो जाता है, अस्थिर अंश पर्याय में शामिल हो जाता है, इसलिए दो नए हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। तो वो है आगम के नय, उसके द्वारा वस्तु का स्वरूप समझा जाता है। अब अध्यात्म के नय में विशेषता बात है, उसमें आगम के नय में 6 द्रव्य में से कोई भी 2 द्रव्य समझ सकते हैं, कोई भी द्रव्य समझ सकते हैं, पर अध्यात्म के नए में एक पार्टी आत्मा होती है, दूसरी कोई चीज होनी हो चलेगी, पर उसमें 2 पार्टियों में एक पार्टी आत्मा होगी, ये कंपलसरी है। द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अध्यात्म के नए है निश्चय और व्यवहार, आत्म के नए है द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक। तो जब हमें आत्मा को समझना है और समय सार अध्यात्म का ग्रंथ है, तो निश्चय व्यवहार समझना बहुत जरूरी है, पर उसमें द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक की भी चर्चा नहीं हो ऐसी बात नहीं है, पर दोनों बातें मैं एक साथ नहीं समझाऊंगी, क्योंकि नए कठिन विषय है और दोनों एक साथ मिसमैच हो जाएंगे। तो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक के लिए अगला ट्रिप, इस ट्रिप में सिर्फ निश्चय और व्यवहार, अध्यात्म के नए, ठीक है। अब अध्यात्म के नए में जो भेद आए थे हमारे निश्चय और व्यवहार, जो कल हमने जिसकी थोड़ी सी चर्चा की थी, एक्चुअली मैं नए नहीं समझाना चाह रही थी, मैं तो विषय अप्रोच दूसरा था और उसमें प्रकरण में निश्चय व्यवहार शब्द आ गया था, तो मैंने बताया। उसके बाद जो सारे प्रश्न प्रदीप जी ने रात को उठाए उससे मुझे लगा कि मुझे नयों के बताऊं, तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ कि नयों के बारे संबंध में आप क्या समझती हैं?
अभी आपको नए क्या इमेज है आपके दिमाग में, जो शब्द इतने सालों से आप सुन रहे कर रहे हैं, तो वो सुनकर मुझे समझ में आ रहे हैं जो इमेज है वो सही है या गलत है, उससे कितने आगे मुझे आपको बताना है। तो कुछ आप लोग बताना चाहेंगे, नए आप रहने वाले क्या समझते हैं? कथन पद्धति है, कथन पद्धति है, कथन पद्धति है बराबर, एक दृष्टिकोण वन, हाँ दृष्टिकोण, हाँ और कुछ नया के स्वरूप के बारे में, कुछ निश्चय विभाग के बारे में, कुछ प्रत्यक्ष और परोक्ष, नहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष तो प्रमाण से भी एक एक धर्म दिखा दे, एक एक धर्म, हाँ नहीं चलो तो फिर मैं प्रारंभ में से पूरी बेसिक हम नए को टारगेट करते हैं और इस नए से संबंधित जिन जिन शास्त्रों में जो चर्चा आएगी मोक्षवा पिटाशक में समय सार में वो गाथाएं उठा के मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये आप समझ लेंगे तो समय सार भी समझ में आएगा और समय सार के ऊपर यूट्यूब पर मेरे आधा एक गाथा के ऊपर आधा घंटा क्लिप है, हर गाथा को आधा घंटे में समेटा है संक्षेप में, बहुत विस्तार से नहीं दिया है, तो वो सुनेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम नयों का स्वरूप समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा, सुबह से यही चालू रखते हैं। YouTube में आपका नाम नहीं मिला, आपके नाम पे शुद्धात्म प्रभा, उसका लिंक मैं भेज दूंगी आगे तो आपको, किस लिंक पे है। हाँ तो अब ये देखेंगे लोट व्यवहार में हम प्रयोग करते हैं, जो कल मैंने उदाहरण दिया था चीनी का डिब्बा, अब इस पुस्तक में उदाहरण दिया है पप्पू का पलंग। जैसे अभी आजकल हम नाम देते हैं ड्राइंग रूम, बेडरूम, पहले जमाने में ऐसे थे ना, दादी का रूम, मम्मी पापा का रूम, बच्चों का रूम, चिल्ड्रन रूम, तो आज भी कहलाते हैं। तो नाम तो रूम मम्मी पापा का होता है, पलंग पप्पू का होता है, खिलौना पप्पू का होता है, किसका होता है कि प्लास्टिक का खिलौना होता है, और जो घर बनते हैं जिस चीज से भी बनते, जो मटेरियल से बनते हैं, इंडिया में सीमेंट ईंट डाले, अब यहाँ जिससे भी जैसे भी बनते हो जो चीजें, तो वो उस मटेरियल से बनते हैं ना, तो जो जिस मटेरियल से बनते हैं, कपड़ा बना है ये कपड़ा मेरा, ये साड़ी मेरी, ये व्यवहार नहीं से निश्चय नहीं से, ये जो धारे से बनी हुई है उसकी, जो मटेरियल से बनी हुई है, टॉटन है तो टॉटन की, ठीक है ना। तो ये उदाहरण इसके कहे जाते हैं, इस प्रकार इससे व्यवहार चलता है, व्यवहार इसके बिना नहीं चल सकता, यदि हम प्रयोग नहीं करेंगे तो। अपनी इच्छा सही प्रयोग करने पर भी अधिकांश जन नयों का स्वरूप नहीं जानती, फ्रॉम में बात आ गई। अब नए का सामान्य स्वरूप, तो नए की विभिन्न डेफिनेशन शास्त्रों में मिलती है, 6-7 डेफिनेशन मिलती है, शास्त्रों के नाम बता के मैं आपको बता देती हूँ। जो वस्तु के अनेक स्वभावों से, जो वस्तु को अनेक स्वभावों से पृथक करके एक स्वभाव में स्थापित करता है उसे नए कहते हैं। वस्तु का स्वभाव अनेक रूप से है, उसे एक स्वभाव में स्थापित कर दिया है, वस्तु में अनेक चीज है पर एक चीज से बता दिया हमने, उसे पहचान गए। मैंने बोला कि देखिए वो मेरे साथ रस्ते में मोदी थे, ये यूट्यूब पे ना थोड़ा सा ऐसे आता है, तो मोदी जी ऑफ हो रहे हैं। एक मैंने थोड़े दिन पहले, एक साल भर पहले बात, एक क्लिप पड़ी, मोदी ऑफ हो रहे हैं, मतलब नीर लड़ाओ क्या हुआ, मोदी मोदी ऑफ हो रहे, वो ऑफ हो रहे, फिर धीरे से लिखा था नीरव मोदी। अब समझ रहे मेरी बात, तो वो कौन सा हाईलाइट करते हैं, वो चीज हेडलाइन में दिया मोदी ऑफ, सब हमारी दिल ध्यान से पढ़े, नीर ध्यान से पढ़े, और धीरे से छोटे में, ये ऐसी बात नहीं है। महाभारत आपने सुनी है, महाभारत की स्टोरी, युधिष्ठिर जी, युधिष्ठिर फेमस थे जो सत्यवादी हैं, और द्रोणाचार्य कोई हरा नहीं सकता था, वो तो गुरु थे ना, और द्रोणाचार्य का बेटा था अश्वत्थामा, और पिता को बेटे से प्यार होता ही है, और एक हाथी का नाम था, कौरवों के पास हाथी था, उसका नाम था अश्वत्थामा, पांडवों के पास भी हाथी था, जिसके भी पास रहा हो उसका नाम था अश्वत्थामा। तो उन्होंने बोला कि यदि हमें युद्ध जीतना है, तो श्री कृष्ण ने सलाह दी युधिष्ठिर को, युद्ध जीतना है तो द्रोणाचार्य के हथियार हमें डलवाने पड़ेंगे, जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में हथियार है तब तक हम युद्ध नहीं जीत सकते हैं, और द्रोणाचार्य थे कौरव के पक्ष में, और श्री कृष्ण थे अपने पांडवों के पक्ष में। तो यदि आप युद्ध जीतना है तो द्रोणाचार्य के हाथ में से हथियार गिराने होंगे, बोले हथियार वो कहते छोड़े नहीं छुड़वा सकते हैं, बोले यदि तो युधिष्ठिर ये बोल दें
कि उनका बेटा अश्वत्थामा मर गया है तो अपने बेटे के गम में वो छोड़ देंगे। तो युधिष्ठिर बोले मैं तो नहीं झूठ बोलूंगा, वो तो सत्यवादी फेमस थे ना, बोले तुम झूठ क्या बोल रहे हो, जो तुम्हारा हाथी है ना अश्वत्थामा हम उसे मार देते हैं। तो तुम क्या ना अश्वत्थामा हता, संस्कृत में अश्वत्थामा हता ने मारा गया। और धीरे से बोलना नरोगा कुंजरोगा, वो मनुष्य था कि कुंजर हाथी था वो पता नहीं मुझे। अश्वत्थामा हता नरोगा कुंजरोगा, तो तुमने झूठ भी नहीं बोला, तो तुम जोर से बोलना अश्वत्थामा हता, और इतनी जोर से बोलना द्रोणाचार्य सुन ले, वो इसके आगे सुने नहीं। और धीरे से फिर बोल देना नरोगा कुंजरोगा, तो तुमने झूठ नहीं बोला, और अश्वत्थामा के मरने की खबर सुनकर वो हथियार डाल देंगे। हुआ भी यही। अब वो युधिष्ठिर ने झूठ बोला कि नहीं मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, चालाकी तो की ना। और इसके लिए उन्होंने अपने हाथी को मारा, बोले तुम झूठ नहीं बोला ठीक है हम हाथी को मरवा देते हैं, और क्या करें तुम्हारा झूठ बोलना नहीं रहेगा। तो तुम्हारे मन में पाप तो था ना, तो नरोवा कुंजरोवा, तो जो वस्तु को अनेक स्वभावों से पृथक करता है, बहुत सारे स्वभाव है उससे पृथक करके एक चीज में ला रहा है, वो क्या है उसे नय कहते हैं। क्लियर हुआ? दूसरा अथवा जो अपर पक्ष का निषेध, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपर पक्ष का दूसरे पक्ष का निषेध ना करते हुए वस्तु के अंश का कथन करता है उसे नय कहते हैं। सीता पत्नी भी है, माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, निषेध नहीं कर रहे वो क्या है और क्या है। इस समय तो वे कह रहे हैं कि राम की पत्नी ही है, दूसरा पक्ष उसमें विद्यमान है, हमें इनकार नहीं है उससे है। अपर पक्ष ने दूसरे पक्ष का इनकार नहीं किया है, वो एक पक्ष को मुख्य बनाया है। तो अपर पक्ष का निषेध ना करते हुए वस्तु के एक अंश का कथन करता है, संपूर्ण वस्तु का कथन नहीं होता है, एक अंश का कथन होता है सिर्फ, उसे नए कहते हैं। कहीं कहीं सूत्र ज्ञान के विकल्प को और ज्ञाता के अभिप्राय को और वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। अब जैसे ये तीन चीजें हैं, तो जो मैं बोल रही हूं तो वक्ता का अभिप्राय, आप जो सुन रहे हैं वो श्रोता का अभिप्राय, इनको और सूत्र ज्ञान के विकल्प, जो शास्त्रों में जो सूत्र ज्ञान का विकल्प उसे भी नए कहा जाता है। नए तो अपेक्षा से कथन है, जिसने बोला उसका अभिप्राय हो गया। तो मैंने बोला अपेक्षा सही, तो आपने समझ लिया, आपने बोला, आपने कुछ चीजें बोली, कल प्रश्न बोले थे, मैं उसका मतलब समझ गई, तो फिर मैंने कुछ पर शब्द तो वो समझे या नहीं समझे मुझे नहीं पता ना। तो मैंने आपसे कहा था ना कि आप प्रश्न कर रहे हो कि मुझे बता रहे हो, प्रश्न कर रहे हो तो प्रश्न की भाषा है, तो मैं नहीं समझी ऐसी बात नहीं है, पर आपका अभिप्राय समझ कर मैंने उस भाषा में बताया कि इसे क्या कहना चाह रहे हैं, तो सबको समझ में आया बराबर प्रश्न इनका ये है। तो वो श्रोता का अभिप्राय क्या था उसको भी नए कहते हैं, वक्ता का अभिप्राय क्या है उसे भी नए कहते हैं। तो इस तरह की भिन्न डेफिनेशन भिन्न भिन्न शास्त्रों में उपलब्ध होती है, पर मेन बात यह है कि वस्तु के अंश में कथन करने की प्रवृत्ति नए की होती है, अंश के अलावा वो कथन नहीं करता है। इसलिए वस्तु का जो कथन है, जैसे कि मैंने उदाहरण बताया था हाथी का, तो अंश में कथन हुआ, पूरा कथन हुआ, पैर की अपेक्षा, कान की अपेक्षा, पूंछ की अपेक्षा, इतना पॉइंट क्लियर हुए? इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है? आगे बढ़ो। हाँ, अब जो सापेक्ष नए है, जो अपेक्षा सही कथन है वो ही सम्यक नए है, वो ही सही नए है, और जो अपेक्षा सही कथन नहीं है वो मिथ्या है। मैंने आपको इसका उदाहरण द्वारा बता दिया, आप पत्नी ही हो, ऐतराज हो गया, पत्नी भी हो, नहीं हुआ, क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसे बोलते हैं अपेक्षा सही कथन करना। अब हमने नयों का सामान्य स्वरूप बताया, अब इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं कि मुठ्ठ करना और गौण करना। विवक्षा अविवक्षा शब्द आता है, तो जो क्या चीज वस्तु में तो सारी चीजें समान है, विद्यमान है। मैं ये साड़ी पहने हूं, इसका कलर क्या है मैं आपसे पूछू, तो अब आप वस्तु में तो सारे कलर साड़ी में समान हैसियत से विद्यमान है। अब आपने देख लिया समझ लिया कैसे कलर की है। अब जब मैंने पूछा कि साड़ी का कलर क्या है,
एक ने बोला क्रीम कलर, एक ने बोला ग्रीन कलर, एक ने बोला गोल्डन कलर, तीनों सही है कि रॉन्ग है? आपने अपेक्षा नहीं बताई तो रॉन्ग हो गए। अपेक्षा बता दे रहे कि किसी अपेक्षा क्रीम कलर, किसी अपेक्षा ग्रीन कलर, किसी अपेक्षा गोल्डन कलर। फिर मैंने पूछा नहीं मुझे तो पेटीकोट लेना है, तो पेटीकोट में आप लाइट क्रीम लेंगे तो उसकी अपेक्षा ज्यादा अच्छा रहेगा, डार्क लेंगे तो मजा नहीं आएगा। ब्लाउज की अपेक्षा, तो ब्लाउज में किनारे की अपेक्षा गोल्डन लेंगे तो अच्छा रहेगा, अपेक्षा लग रही ना। पर निराय में कौन सा आ रहा है कि लाइट कलर दब जाता है, डार्क कलर निराय में आता है, तो जिसको निराय में आया तो उसने ग्रीन कलर बोल दिया। तो बोलते समय वो आपको पूछना, आप जो कलर पूछ रहे हैं किस अपेक्षा पूछ रहे हैं, इसमें अच्छा कलर कौन सा लग रहा है, तो वो हमें अपेक्षा सही कथन करना पड़ता है। तो जो अपेक्षा सही कर, तो वस्तु में तो सारी चीज समान हैसियत से विद्यमान है, पर हम कथन में उसमें मुख्यता और रौणता होती है। कभी कोई अंश मुख्य करते हैं, कभी कोई अंश रौण करते हैं, और इस चीज में हम एक्सपर्ट हैं। हमारे घर में, हमारे मान लीजिए किसी के चार संतानें हैं, राजा दशरथ जी थी ना, और पहले जमाने में चार चार छह छह होती भी थी, चार संतानें हैं, तो चारों एक जो सबसे नालायक संतान है, जो योग्य संतान है उसकी चर्चा नहीं कर रहे हो, सब सब बराबर से नहीं होती है, एक कमजोर भी होती है, एक होशियार भी होती है। तो जिस जो नालायक संतान थी, जो सबसे कमजोर संतान थी, उसकी शादी हो रही है, तो फिर गुड़ तो हम उससे डालते हैं, उसे नालायक बोलेंगे, सबसे गधा बोलेंगे, कमजोर बोलेंगे, कि वो राजा बेटा बन जाएगा, दूधा राजा कहलाएगा ना वो भी। तो दूल्हा राजा ने गुड़ गाए जाएंगे, तो अपेक्षा क्या है? तो उस समय वो दूल्हा राजा है, वो कमजोर नहीं है, वो टाना है, लंगड़ा है, क्या है उसे लेना देना नहीं, राजा है तो दूल्हा राजा है बस। तो ये कह रहे हैं कि अपेक्षा है, अपेक्षा में मुख्यता गौणता होती है, उसमें दूध और सारे बच्चे गौण हो रहे हैं, तो उसी एक के गुण डाले जा रहे हैं। तो इसी तरह से हम जब जिस अपेक्षा से कथन करते हैं, तो उसमें मुख्य धर्म जो होता है वो विवक्षित होता है, जो गौण धर्म होता है वो उसे अविवक्षित धर्म कहते हैं, वो उसकी चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं, वो गौण है, ये बात होती है, ठीक है। तो जिसमें नया भाष समझ में आ जाए, जो अविवक्षित धर्मों का निषेध कर दें तो नया भाष हो जाता है, हमें जिन गण धर्मों को हमने नहीं चाहा उसका निषेध कर दिया तो नया भाष उसमें है, हम कह रहे नहीं है, उसे गौण कर रहे हैं, निषेध नहीं कर रहे हैं। गौण में और निषेध में अंतर है, गौण करने का मतलब है इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अवॉइड करना, हाँ इम्पोर्टेंस नहीं देना, अवॉइड कर रहा है, निग्लेक्ट, निग्लेक्ट करना, हाँ वो ये की बात, निग्लेक्ट करना, इम्पोर्टेंस नहीं देना, अवॉइड करना, और मुख्य धर्म में उसे हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो इनकार नहीं कर रहा है, उसमें वो विद्यमान है, हम कब कह रहे हैं नालायक नहीं है, है तो दूल्हा राजा ना, निषेध नहीं है, उस नेगलेक्ट है, गौण रूप से विद्यमान है, यदि निषेध कर देंगे तो वो नया भास हो जाएगा। तो आभास, नया आभास, सर्पाभास, सर्पाभास आभास है किसी चीज में, रस्सी में आभास है हमें सर्प का, सर्प नहीं है वो, तो भ्रम है, भ्रम तो भ्रम ही है, भ्रम का मतलब जानते ही हो आप, भ्रम सही होते ही नहीं है चीज है। तो ये चीज इतनी आई, पर ये नए दो प्रकार जो होते, व्यवहार नए और निश्चय नए, तो ये नयों का सामान्य स्वरूप बताया। कल हमने दो व्यवहार नए थे, दो भेदों की चर्चा की थी, अब व्यवहार नए किसे कहते पहले ये समझे, और निश्चय नए किसे कहते हैं ये समझे, फिर हम भेदों पे जाएंगे तो आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो व्यवहार धर्म की 8 डेफिनेशन मिलती है शास्त्रों में, 8 प्रकार से। अब वो मैं 8वां डेफिनेशन आपको नहीं बता दी, पहले इन 8वां डेफिनेशन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, उसमें कुछ एक परिभाषा है, एक उसका कार्य है, एक उसका कथन है, और एक वो उपयोगी है या नहीं। भूतार्थ और अभूतार्थ शब्द मिलते हैं, जो आप कह रहे थे ना, इसे मैंने को समझाया, मेरे को समझाने का विकल्प कैसे आया, चल मैं नाम नहीं बताना चाहती, ध्यान तो किसने कहता कि व्यवहार नए अभूतार्थ अनुपयोगी है, कि उपयोगी है, भूत निश्चय है, उपयोगी अनुपयोगी है, असत्यार्थ, हाँ व्यवहार नए झूठा है, ये शब्द बोला था,
मेरे को शास्त्री शब्दावली ध्यान में रही, उन्होंने बोला व्यवहार में तो झूठा है ना, झूठा नहीं है व्यवहार में। तब मुझे लगा कि मुझे व्यवहार में समझाना पड़ेगा, तो मैंने जो शास्त्रों में 8 डेफिनेशन है वो बताऊंगी तो आप कंफ्यूज होंगे। मैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया है वो बता रही हूँ, है वो याद, फिर आप पुस्तक में बाद में 8 भी बताऊंगी। तो इसकी डेफिनेशन व्यवहार देगी, जो नए एक अखंड वस्तु में भेद करता है और दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद स्थापित करता है उसे व्यवहार नय कहते हैं। अखंड वस्तु में भेद करता है, इसका उदाहरण एक अखंड वस्तु उसने भेद कर दिया, आप भेद कर, जैसे आत्मा एक अखंड वस्तु, तो आत्मा बोला उसमें ज्ञान है दर्शन है चारित्र है, तो भेद कर दिया हमने, अखंड वस्तु में भेद किया, संपूर्ण वस्तु थी तो आप मतलब आत्मा क्या है नहीं समझे, जिसमें दर्शन होता है ज्ञान में होता है चारित्र होता है वो आत्मा, तो अखंड वस्तु में भेद करता है पहला काम, और दूसरा दो भिन्न वस्तुओं में संबंध स्थापित करता है, तो भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद स्थापित करता है। तो आत्मा और शरीर दो भिन्न भिन्न वस्तु थे, शरीर पुद्गल से बना हुआ है पुद्गल द्रव्य, आत्मा जीव द्रव्य, दो भिन्न वस्तुओं में अभेद स्थापित किया, इन दोनों को मिलाकर बोला मैं जीव। तो व्यवहार ने का काम क्या हुआ, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद स्थापित करना और पर से अभेद स्थापित करना और अपने में भेद डालना। तो कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं, हमारे घर में बहुत अच्छी सुख शांति है, अब यहाँ का मुझे नहीं पता इंडिया में बहुत चलता है, कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें समझ अच्छा नहीं लगता है कि सामने वाला घर सुख शांति से रह रहा है, और आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा असुर कुमार जाति के देव होते हैं जो नरक में जाते हैं और नारियों को लड़ाते हैं उन्हें पूर्व भाव की याद दिलाकर। तो इधर भी मनुष्य में भी ऐसे कुछ देवता होते हैं जिन्हें दूसरे घर की सुख शांति अच्छी रहती है, सास से जाके बहू की चुटली, बहू से सास हो दोनों को लड़ाती है। तो जो सास बहू सास में घर में अच्छे से अभेद रूप में रह रहे थे उनमें भेद डाल दी, फूट डाल दी, और जो भेद थे तो देखो उसने घर में फूट डाल, उन दो भेदों में अभेद करना। तो जो भेद चीज है तो हम क्या कहते हैं, जैसे कि हम एक परिवार में एक साथ रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली होती है ना इंडिया में, तो जैसे भी मेरे उदाहरण लो, मेरे से भी पूछता था कि मैं अपने बचपन में छोटे से अपने ताऊजी जो एसपी भाले लाए थे ना उनके पिताजी, मैं उनके साथ पली बड़ी, बचपन से 2-3 साल की 1.5-2 साल की थी तब से लेकर 7वीं 8वीं तक, मैं उनको मम्मी पापा बोलती। तो एक गांव में हम एक कहीं शहर में गए नए नए गए, तो किसी ने मेरे से पूछा कि तुम कितने भाई बहन हो, तो मेरे बड़े पिताजी और छोटे मेरे पिताजी दोनों के मिलकर जो थे 5, 4 है मेरे हम भाई बहन और एक अकेला बबलू एसपी भाले, हम 5 भाई बहन हैं। फिर बोले तुम्हारी मम्मी और पापा, मेरे मेरी 2 मम्मी है और 2 पापा है। अब वो दुकानदार मेरे ऊपर से नीचे देखे तो बोला नहीं ऐसा, तो वो तो इसने सोचा ऐसा तो हो सकता है 1 पापा हो 2 मम्मी हो, पर 2 मम्मी हो 2 पापा हो तो घर समझ नहीं आ रही थी। 2 मम्मी 1 पापा, 2 पापा 1 मम्मी, कुछ ऐसा तो चलता था, 2 मम्मी और 2 पापा नहीं समझा। तो बोला नहीं बेटा ऐसा नहीं, उन्होंने छोड़ा। मैं भी बहुत छोटी थी, 4थी 5वीं में पढ़ती थी, पर मुझे याद अच्छी तरह से। तो वो मेरे ऊपर से नीचे देखे, तो मैंने कहा देखो आप बताएं, मेरे अभी मम्मी पापा दोनों आएंगे तो मैं आपको मिला दूंगी। वो भरोसा नहीं कर रहे, वो समझ रहा बच्ची है समझती नहीं कह रहा है, मैं भी समझ नहीं समझ रहा कोई बात नहीं जब आई तो मिला देंगी चले गए। तो मैंने क्या किया कि हमारे जो मैं उनको भी मम्मी बोलती थी उनके साथ रही, जो था मैं मेरी मम्मी थी उन्हें मम्मी, तो जो मैं जिनके साथ रहती थी वो बड़े थे पिताजी, तो बड़े मम्मी दादा और ये छोटे मम्मी दादा, तो जो बड़े दादा और छोटे दादा फेमस है ना, तो मैं अपने पिताजी को छोटे दादा और उनको बड़े दादा, तो वो छोटे दादा बड़े दादा नाम से फेमस हो रहे हैं। तो मेरे 2 दादा है ना, मेरे दादा ना पापा, तो 2 पापा और 2 मम्मी। तो मैं जो 4-5 साल की उम्र में क्या समझू, हमारे तो ये हम तो असली मम्मी दादा है मेरे दोनों, एक के साथ मैं पैदा क्या हूँ मुझे क्या मतलब, मैं तो इनके साथ रहती उससे मतलब था ना। तो वो मुझे अज्ञानी समझे, मैं उसे अज्ञानी समझे। तो ये कह रहे हैं दो जब मैंने अभेद कर दिया और उनकी संतान हमारे और हम भाई बहन, मतलब हम तो 5 भाई बहन ही है यही बोलते थे। तो उन्होंने एक 4 ही संतान एक के, वो उनको समझ में नहीं आया गड़बड़ है कुछ, तो गड़बड़ है बच्ची गलत बोल दी छोड़ दिया। तो जो दो अभेद में जब हम रहते, तो आप अपने फैमिली के बच्चे और भाई के बच्चे सब अभेद करते हो ना, तो
अभेद डाला, लेट जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है तब झगड़े तो अब वो बंटवारा जब साथ रहती है तो उन्हीं भाइयों से अभेद, जब प्रॉपर्टी है तो उन्हीं भाइयों से भेद होता है। अच्छा चलो और दूसरी जाने दो, अब भाई भी झगड़ा भी नहीं हुआ, भाइयों से भेद अभेद नहीं हुआ, अब शादी में कार देते हो, सभी तो दिए उन्हें शादी की हो रही, तो कार्ड देते हो किस हिसाब से, पर फैमिली एक, तो आपने 1000 कार्ड बांटे तो खाना 500 का बनवाते हो ना 4000 का, आप एवरेज सोचते हो हमने 4 जन को बुलाया किसी से 3000 हुआ 3000 का खाना बनवाते हो, कार्ड फैमिली वाइज फैमिली को अभेद किया और खाने में सब में भेद डाल दिया, तो जैसे आपने कार्ड देने में अभेद किया खाने में अभेद कर सकते हो, आप प्रवृत्त कैटलर आपको ऑब्जेक्शन करेगा एक थाली में हम 3 जन को नहीं खाने देंगे, कार्ड आप एक दो चलेगा, तो भेद अभेद हम करते रहते हैं, तो पर से अभेद करना और स्वयं में भेद डालना ये व्यवहार नय का काम है। क्लियर हुआ क्या, पर से क्या करना है, भेद या अभेद, पर से अभेद और स्वयं में, हम घर में अपने आप में एक घर में एकता चाहते हैं, तो कोई हमारे घर में फूट डाली हमें बर्दाश्त होगा, और पड़ोसी से अभेद कर दी कि वो तुम्हारा है, हम दोनों चीजें बर्दाश्त नहीं, और विद्या देने का काम यही है, पर से अभेद करता है अपने में फूट डालता है, तो ये काम विभ्यारणा की परिभाषा भी समझ में आई, जो नए एक अखंड वस्तु में भेद करता है तो भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद स्थापित करता है उसे विभ्यारण्य कहते हैं, और एक ही वस्तु के धर्मों में विभ्यारण्य कथनचित भेद व उपचार करता है, एक ही वस्तु में दो भिन्न भिन्न वस्तु में, ये बात ध्यान रखना, कल आप जो घटा रहे थे दो वस्तुओं में घटा रहे थे, एक ही वस्तु में भिन्न भिन्न धर्मों में भेद व उपचार करता है। अब विभ्यारण्य का काम क्या है, ये डेफिनेशन हुई, विभ्यारण्य अभेद वस्तु में भेद करके समझाता है, वही बात आ रही समझाता है, और भिन्न 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 वस्तुओं में संयोग व निमित्त से होने वाले संयोगी भावों का ज्ञान कराता है, कुछ ना कुछ संयोग का ज्ञान कराता है, जो कल समझाया था ये संयोग संबंध संस्कृत संबंध बताया था ना वो चीजें, तो और दो भिन्न भिन्न ये बात छोड़ देती हूँ, हम जो बोलते हैं ना कि मैंने रोटी बनाई, मैंने ये वीडियो कैमरा मैंने बनाया, तो दो भिन्न वस्तु थी, मैं करता ये कर्म, तो दो भिन्न भिन्न वस्तु में करता कर्म संबंध स्थापित करता है, आप गाड़ी ड्राइव करके आए लेटर आए, ये तो सारी चीजें व्यवहार में का काम है, निश्चय में से ऐसा भेदभाव नहीं होता है, निश्चय में से अभेद करता कर्म होता है, जब निश्चय में पढ़े तो बताएंगे, तो जो ये व्यवहार हम सब क्रियाएं कहते हैं, जो आप कहते हो नहीं नहीं हमें दूसरे करता नहीं है, व्यवहार में से तो करता है, निश्चय में से करता नहीं है, तो व्यवहार की भी सत्ता है, वो वैसा झूठा नहीं है जैसा हम झूठा मानते हैं, तो व्यवहार में संयोगी भावों का ज्ञान कराता है और दो भिन्न भिन्न वस्तु में कर्ता कर्म संबंध स्थापित करता है। ठीक है, अब कथन, तो विभ्यारण्य कथन हमेशा पराश्रित होंगे, दूसरे के आश्रित होंगे, स्वाश्रित हो ही नहीं सकते, दो बंधन जुड़ रहा है, तो ये कथन पराश्रित होते हैं, सापेक्ष होते हैं, अपेक्षा सहित होते हैं और उपचरित होते हैं, उपचार से होते हैं, वास्तविक नहीं होते, किसी अपेक्षा से होते वास्तविक नहीं होते, तो दो द्रव्यों के बीच एकता संबंधी संयोगी कथन उपचरित कथन है, जो भी दो द्रव्य में एकता संबंधी कथन किए रहे हैं वो सब उपचरित कथन आते हैं, तो एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य का बताना, एक द्रव्य की परिणति को दूसरे द्रव्य की बताना, एक दो द्रव्यों की मिली हुई परिणति को एक द्रव्य की कहना, दो द्रव्यों के कारण कार्य को मिलाकर कथन करना, ये सब उपचरित कथन है। ये सेंटेंस मोक्षमा प्रकाशक में आया है छठे अधिकार में, तो जो उभयाभाषी का प्रकरण है वो उधर से पढ़ दिए, मोक्षमा प्रकाशक से भी बताऊंगी, सब शास्त्रों में आया हुआ है। अब इन सबके एक एक उदाहरण होंगे, उसकी चर्चा कल करूंगी, एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य का कैसे बताते हैं, एक परिणति को कैसे बताते हैं, जब हमारे आएंगे तब हम उसमें इसकी चर्चा करेंगे। अभी मैं इसकी भूतार्थता अभूतार्थता पर चर्चा करना चाहती हूँ, कल ये विषय था। अब आप पूछते भूतार्थ का, जब मैंने बोला व्यवहार नय अभूतार्थ है और निश्चय नय भूतार्थ है, तो आपने पूछा अभूतार्थ का मतलब क्या, आपको समझ में नहीं आया, तो मैंने बताया अभूतार्थ मतलब असत्यार्थ, तो फिर आपने पूछा असत्यार्थ का मतलब क्या, तो मैंने असत्यार्थ का मतलब असत्य,
इससे आगे मैंने बताया नहीं, अब माइंड सेट से आप ऑटोमेटिक आपने अर्थ निकाल दिया, असत्य मतलब झूठ, भूतार्थ मतलब मैंने असत्यार्थ कहा, असत्यार्थ का मतलब असत्य अर्थ ले लिया आपने, और असत्य मतलब झूठ ले लिया, और बिहार ने झूठा ही समझ लिया। तो असत्यार्थ का मतलब असत्य झूठ नहीं होता है, भूतार्थ मतलब सत्यार्थ, सत्यार्थ मतलब सत्य नहीं, भूतार्थ मतलब उपयोगी, अभूतार्थ मतलब अनुपयोगी, सच्चा और झूठा नहीं। जो चीज मेरे लिए उपयोगी हो सकती है वो आपके लिए अनुपयोगी हो सकती है। अभी जैसे आप बताइए कि आपको चाय पीनी है, तो मैं कहूं कि घर में मेरे पास 2 किलो सोने की बिस्किट है, तो वो आपके लिए भूतार्थ है या भूतार्थ है? चाय सोने का बिस्किट से मेरे को क्या लेना देना, चाय थोड़ी बन जाएगी बिस्किट से, बन सकती है क्या? आप बिस्किट बेचिए, सामान लाइए, इधर हम चाय अभी पीनी है, जब मैं बेचने जाऊंगा डबाऊंगा तो वो बिस्किट आपके लिए भूतार्थ हो जाए। पर जेवर बनाना है तो सोने के बिस्किट भूतार्थ हो जाए। तो चाय के बनाने के लिए भूतार्थ क्या है? दूध पानी चाय पत्ती, ग्रीन टी पीनी है तो दूध पीनी चाहिए, पानी और चाय पत्ती चाहिए, मतलब 2 चीजें तो कंपल्सरी चाहिए, पानी और चाय पत्ती, बाकी दूसरी चीज एक्स्ट्रा हो, चाय मसाला हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो नहीं बात है, शुगर हो तो अच्छा है, नहीं हो तो उसके बिना भी चल जाएगा, पर चाय पत्ती ना हो आप चाय बना सकते हैं, लिक्विड ना हो कोई भी पानी या दूध आप बना सकते हैं, दूध और पानी में से एक चीज चाहिए और चाय पत्ती चाहिए, तो वो भूतार्थ है। तो भूतार्थ अभूतार्थ का मतलब है उपयोगी अनुपयोगी, सच्चा और झूठा नहीं। तो विभ्यार में अभूतार्थ है मतलब आत्मा की लीन का मूर्छ जाने के लिए, आत्मलीनता के लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है, पर विभ्यार के लिए उपयोगी है। तो विभ्यार में झूठा है उसकी शरण नहीं लेना, ये सही नहीं है। जब झूठा शब्द सुना और वो 2 मिनट में मैं समझा नहीं सकती थी, उसके लिए मुझे 1 घंटा चाहिए था, इसलिए मैं चाहता था 1 घंटे का सवाल हो रहा तो सुबह प्रश्न में थोड़ी 2 मिनट का जवाब हो रहा दे। तो विभ्यार में अभूतार्थ पूरा हमारी लाइफ माइंड सेट से चलती है। आप देखना हम अब जो लाइफ हमारी है, मैं आपसे कुछ भी बोलू आप माइंड सेट से ही चलते हैं, हमारी 50% लाइफ माइंड सेट से डाइड होती है। मैंने वही बोला था अभूतार्थ असत्यार्थ, इससे आगे आपने पूछा नहीं, असत्यार्थ का मीनिंग असत्य लगा लिया, असत्य मतलब झूठा, इस तरह से विभ्यार ने झूठा लाल हो गया और मैं गलत फहमी हो गई। मैंने पानी की बोतल थी मेरे पास बिस्लरी की, मुझे पानी पीना था, तो मैंने एक दुकानदार को दिया कि इसमें पानी भर, इसमें पानी फिल कर दो, हम यूरोप घूमने रहे तो दे दिया, तो हमने समझा वो हमारी भाषा में समझा, उसने उसने क्या बोतल है फेंक दो, थ्रो कर दो, उसने फेंक दी। यूरोप में 2 जगह ऐसा हुआ थ्रो की, तो मैंने समझा कि अब ये तो भाषा नहीं समझते थे। तो इंडिया में मैं एक जगह गई, घर में सर्वेंट को दे छोटा सा बोतल, हम अपने ऐसे पर्स में रखते हैं, गला सूखता है पानी पीने के लिए, तो छोटी सी बोतल थी दिया कि इसमें पानी भर दो, तो उसने वो बोतल फेंकी, ग्लास में पानी ला के मुझे पीने को दे दिया, पानी पी लिया। जब मैं निकलने लगी तो मैंने पूछा वो तो फेंक दी, और मैं क्या बोला पानी भर दो, उस वो मेरा ये माइंड सेट था। अब यूरोप में तो मैं समझती रही कि वे मेरी भाषा नहीं समझ रहा है, हमने इंग्लिश बोला तो भी नहीं समझा है। इंडिया में भी मेरे साथ ऐसे हुआ तो मेरी समझ में आ रही, जो मैं बोतल लिए हूँ इसके लिए माइंड सेट है कि यूज एंड थ्रो नॉट रिपीट, तो आप दौड़े भी दोस्तों थ्रो कर दिए, तो मैं अब मैं स्पेशल ऐसी बोतल लेके आई जिसका मतलब वो माइंड सेट से काम कर रहा है, मेरी भाषा नहीं सुन रहा है, जिसे वो थ्रो ना करे फेंकेगा, और मेरे लिए जो पूरे टाइम मुझे चाहिए वो चाहिए। नहीं तो एयरपोर्ट पे भी अपनी पानी की बोतल है फेंक दी, खाली बोतल भी वो फेंक देंगे, तो बेटा नहीं अब मुझे इतनी बोतल मेरे को चाहिए, मेरे को पानी चाहिए, तो अब आपके माइंड सेट को मैं बदल नहीं सकती हूँ, तो फिर मेरे को अपने आप ही बदलना पड़ा ना कि मेरी जो जरूरत है उसी। तो ऐसे आप अपनी लाइफ में देखिए छोटे छोटे सारे काम है, सुबह का टाइम है, हस्बैंड टिफिन के लिए टिफिन बना के आप दे रहे हैं, बच्चों के लिए टिफिन दे रहे हैं, शूज दे रहे हैं, बच्चे ने पूछा टिफिन तैयार है,
बच्चे ने तो रोज बच्चा पूछता टिफिन तैयार है तो आप बोलते दो मिनट में बस अभी लाई। तीसरे दिन बच्चे ने कहा कि मेरे मोजे नहीं मिल रहे हैं, आप बोले दो मिनट बस अभी लाई। अरे रोज का जो जवाब था आप वो क्या बोल रहा आप सुनते ही नहीं है, वो टिफिन ही मांग रहा है, बोला लाना नहीं है कहाँ रखिए बताओ, बोले दो मिनट लाए कि भाई इस टाइम है तो इस टाइम यही चीज होने वाली है। तो ऐसे हमारे माइंड सेट से चलती है। अब आप देखिए, अब अपने जाएंगे प्रतिदिन देखिए कितने काम हमारे माइंड सेट से हो रहे हैं। तो इसमें असत्यास का ये अर्थ आपने झूठा है अपने मन से निकाला है माइंड सेट से, वो माइंड सेट से हटा के मेरे को इसमें लाना है। असत्यास का मतलब असत्य, असत्य का मतलब झूठ। ऐसा ऐसा झूठ नहीं है जैसा झूठ आप मानते हो। व्यवहार में उपयोगी है अपनी जगह, अपने क्षेत्र में उपयोगी है, दूसरी जगह बिल्कुल अनुपयोगी है। समझ में आया सच्चा झूठे का मतलब? क्लियर हुआ? तो ये है भूतार्थता अभूतार्थता। व्यवहार में कब भूतार्थ है कब अभूतार्थ है, कब उपयोगी है कब अनुपयोगी है। तो निश्चय में कब उपयोगी है कब अनुपयोगी है। तो आरंभिक भूमिका में व्यवहार में उपयोगी है भूतार्थ है। अब जैसे कि एक उदाहरण दो उदाहरण दूंगी आपको। साबुन, ये रुमाल मेरा गंदा हो गया मान लीजिए, तो मैं हमने बच्चे को बोला कि साबुन कैसे साफ हो रहा, तो बोला साबुन लगा लो साफ हो जाएगा। बच्चे को बोला तो बच्चे ने साबुन लगा ली और साबुन लगाया फिर मम्मी ये तो और ज्यादा गंदा हो जा रहा, तो मेरे बाबू मुंह में चिपचिप हो रहा है। उसे धोया था, इतनी महंगी साबुन लेके आए आप, अब मैं उसे धो दूं? तो बोले साबुन की उपयोगिता इतनी है कि लगाओ और लगा के धो, नहीं धो रहे तो वो मैल हो जाएगा। तो लगाने तक उपयोगी भूतार्थ, उसके पास फिर धोना भूतार्थ। समझ में आए भूता तो वो उपयोगी। अब सीढ़ियां लिफ्ट उपयोगी अनुपयोगी, रास्ते में जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचती है तो उपयोगी, मंजिल पे पहुंचते साथ अनुपयोगी। अब देखो मेहनत इतनी महंगी फ्लाइट इंडिया से लेके हम इधर आए, अब फ्लाइट में बैठे रहना हम उतरे ही नहीं है पैसे वसूलने, नहीं मंजिल पे पहुंचना है तो आपको उसमें बैठना भी पड़ेगा उसे छोड़ना भी पड़ेगा। सीढ़ियों पर आपको चढ़ना, एक सीढ़ी पे पैर रखा उसे छोड़ के तो दूसरी पे पड़ोगे, ऊपर तक पहुंचने के लिए भूतार्थ 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 लगातार भूतार्थ 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 भूतार्थ। तो एक ही चीज भूतार्थ भी है अभूतार्थ भी है, कब भूतार्थ कब भूतार्थ। दुनियादारी में तो अच्छे से समझते हैं, नाव में बैठेंगे नहीं तो नदी पार होंगे नहीं, और नाव से उतरेंगे नहीं तो नदी पार होंगे नहीं, प्लेन में बैठेंगे नहीं तो गंतव्य पे पहुंचेंगे नहीं, प्लेन से उतरेंगे नहीं तो गंतव्य पर पहुंचेंगे नहीं। क्लियर हुआ? तो व्यवहार ने का आश्रय लेंगे नहीं तो निश्चय ने तक पहुंचेंगे नहीं, और व्यवहार ने को छोड़ेंगे नहीं तो निश्चय ने को पाएंगे नहीं। तो उस वो तो हमारा रास्ते का मील का पत्थर है, उसे साधन बनाया है, साध्य नहीं है। क्लियर हुआ? प्रयोजन भूत है पर अदर में योग्य नहीं, प्रारंभिक भूमिका में प्रायः प्रयोजन भूत है। तो वो तो उसके लिए बोलते कथंचित भूतार्थ प्रथंचित अभूतार्थ, एक देश भूतार्थ एक देश अभूतार्थ। शास्त्रीय शब्दावली में पूरा है, एकदम हवा में नहीं है ऐसा, हवा में असत्य झूठा नहीं है। क्लियर? आज के लिए इतनी डोज सफिशियंट, इसके आगे की तो आये जो पुस्तक मेरे पास है कोई एक जन पढ़ने के लिए ले जाना चाहे ले जाए, एज इट इज इसमें है। आप 15 मिनट पहले आए और शाम को यहाँ आके रीडिंग करें, बाकी एक जन रीडिंग करे और दूसरा उसको समझ ले। तो मैं ये इतना गहरा विषय लेने का मेरा इरादा नहीं था, इसका विषय लेने का मेरा इसका मन था, इसलिए मैं 5-7 प्रतियां लाई। पर सब बोले कि यहाँ किताबों से कोई नहीं पढ़ता है, सब ई बुक से पढ़ते हैं। तो भी मैं इन्होंने भी मना किया कि मैं 5-7 तो मैं लेके जाऊंगी, मेरी भी आवश्यकता है वो तो, इसलिए मैं लेके आई ये वाली, तो मैं लेके आई ये भी तो उसके बिना चले रहे थे, 5-7 लाई थी मैंने। जिनके घर रहेंगे कम से कम उनको तो देंगे, और जिस कोई ले या ना ले, जैसे 3 उनके लिए एक मंदिर के लिए मैं अपने लिए, ऐसी 5 प्रतियां मैं लाई थी। वो सोनू बुद्धि वाले, हाँ ये 5 लाई थी मैंने, इलाहाबाद दी थी ना कल,
तो ये भी आप पढ़ने के लिए मेरे पास ले आना तो ठीक है, आप लेके जा सकते हैं, तो शाम में जरूर ले आना, ये चाहिए पढ़ेंगे। ये ऑनलाइन उपलब्ध है आपको, ऑनलाइन आपको अभी मैं देख के आपको दे दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप प्रदीप जी आपको भेज दूंगी, आप ग्रुप में शेयर कर लेना। और तो आप कोई डाउट हो कुछ पूछना हो तो पूछिए, विभाग विषय के बारे में पूछे, और आप ऐसे प्रश्न करेंगे तो मेरे को मालूम मिलेगा प्रेजेंट भेज। कोई है डाउट अभी? अभी तक जितना समझा उस पर कोई डाउट हो फिर हम अब कल हम निश्चय नहीं का स्वरूप समझेंगे। अब आपको चाहो तो मैं सातवां अधिकार मोक्षवा बिटा सकते, ये मेरी बात नहीं हिस्ट्री बात है, बता देती हूँ दो लाइनों में। सातवां अधिकार है जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं और उनके भी मिथ्यात्व रहता है, उनका वर्णन करते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। वहां जिनारम में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, उसमें यथार्थ का नाम निश्चय है और उपचार का नाम व्यवहार है। इनके स्वरूप को ना जानते हुए अन्यथा प्रवृत्ते हैं वही कहते हैं। तो मोक्षवाद प्रकाशक में क्या वर्णन है, 5 मिनट अपने पास में बता देती हूँ। पहला जो अधिकार है, प्रदीप भाई बहुत प्रश्न करते हैं, प्रदीप भाई के प्रश्न का जवाब है। पहले अधिकार में बताया है कि सबसे पहले नमोकार मंत्र है तो पंच परमेष्ठियों का स्वरूप बताया है। फिर उन्होंने बताया है कि वक्ता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, फिर बताया श्रोता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, और फिर उन्होंने कुछ विविध विचार और व्यक्त किए हैं। इस तरह से पहले अधिकार में उन्होंने सामान्य बातें बताई है, पंच परमेष्ठियों का स्वरूप बताया है। दूसरे अधिकार में बताया है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का स्वरूप। एक उदाहरण उनका बड़ा प्रिय है चूडामणि जी का, वैद्य का। आजकल वो डॉक्टर हो रहे हैं, वैद्य का उदाहरण दिए है, वैद्य और मरीज का उदाहरण है जो बहुत लंबा चलता है। तो दूसरे तीसरे चौथे अधिकार में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का स्वरूप विस्तार से वर्णन है। पांचवें अधिकार में अन्य मत वर्णन है, अन्य मत का निषेध है। छठे अधिकार में फिर हमारी ये चर्चा चलती है कुदेव पूर्व प्रधर्म का स्वरूप है, जैनी होटल भी उसमें रह जाता। सातवें अधिकार में जैनी है सात पढ़ ली, छठे तक तो है जिन्हें शास्त्र का अभ्यास ज्यादा नहीं, ऐसे तक कुदेव पूर्व प्रधर्म के चक्कर में आ गए वो। सातवें में जैन है, शास्त्रों को पढ़ लिया है, उसके पश्चात भी मिथ्यात्व रह जाता है, गलतियां रह जाती हैं, और किस टाइप की गलती रहती है, निश्चय संबंधी रहती। तो निश्चयवासी का वर्णन है तो उसमें निश्चय संबंधी गलती, व्यवहाराभासी का वर्णन है उसमें व्यवहार संबंधी गलती। तो निश्चय का आभास, निश्चय है नहीं, निश्चय का आभास हुआ, व्यवहार है नहीं, व्यवहार का आभास हुआ। फिर उभयाभासी जो मिश्र है, थोड़ा निश्चय थोड़ा व्यवहार, ना वो पूरा निश्चय है ना व्यवहार है, तो उभयाभासी। फिर सम्यक्त के सम्मुख मिथ्या दृष्टि, सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हुई है पर उतने स्टेज तक पहुंच गया है, उसको प्राप्त होने के नजदीक पहुंचा फिर भी मिथ्या दर्शन रह गया है। तो सम्यक्त के सम्मुख है पर मिथ्या दृष्टि है उसका वर्णन, तो ये सातवें अधिकार में है। तो इसके जो जो अंश आपको उपयोगी होंगे जहां जहां की, वो मैं आपको समय समय पर ऐसे बताती जा। आज तो इतना जरूरी था कि बताएं, ये इसमें बताया कि जैन है और फिर मिथ्या, हमें अजैन और दूसरी चर्चा नहीं करनी है, और दूसरी चर्चा है तो वो हम बाद में देखेंगे, आप सहज में पढ़ना। तो फिर हमारा परमानंद का कोर्स चलता है, तो 5 साल का कोर्स है, सारे विस्तार से पढ़ना हो तो फिर उसमें विस्तार से पढ़ाएंगे। अभी तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सैंपल दे रही हूँ, ठीक है? अब समझ में आए तो डाउट हो तो पूछ लीजिए, आज का कुछ किसी प्रश्न है डाउट है, व्यवहार संबंधी जो चर्चा की उसमें कोई डाउट है तो कल हम निश्चय संबंधी चर्चा करेंगे। और निश्चय व्यवहार में अंतर, 18 अंतर है डिटेल में, सब शास्त्रों में जो उपलब्ध होते हैं उनके एक जगह मैंने इस पुस्तक में भी दिए हैं जो आपको दिए और उसमें भी हैं, और पेज नंबर आपको कहाँ मिलेंगे आत्मानुभूति में, 18 अंतर तो आपको कहीं भी स्पष्ट दिख जाएंगे। तो 18 अंतर निश्चय व्यवहार के आप देखेंगे, और चार्ट वाला तो आपको डेली रीडिंग करना पड़ेगा तब याद रह रहा है, ऐसे याद रहने वाला नहीं है। मैंने अपने याद रखने के लिए चार्ट बनाया था, प्रश्न नंबर 26 पर है आत्मानुभूति कैसे मेरी 18 अंतर। कल हम इसकी चर्चा करेंगे, अभी जो हम स्वरूप वगैरह समझ रहे हैं ना, कल निश्चय का समझेंगे, फिर उसके बाद अंतर का नंबर आएगा, दोनों का स्वरूप समझ रहे हैं दोनों में क्या अंतर है, उसके बाद हम भेद पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें जो जितना टाइम लगेगा तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्लियर? ठीक है, तो आज सेंटेंस लिखे हैं 5 सेंटेंस।
डाउट नहीं है, प्रश्न नहीं है, तो सेंटेंस का नंबर मैं एक दिन नहीं पूछ रही, दूसरे दिन आप ढीले पड़ जाओगे कि मैडम ने आज नहीं पूछा। हाँ किसने लिखे हैं? हाँ बताइए। चलिए आत्मा का सही स्वरूप जानना है तो अनात्मा को भी पहचानना पड़ेगा, जैसे जीव और अजीव, अगर जीव को जानना है तो अजीव को भी पहचाने तभी जीव की सच्ची पहचान होगी। फिर अपेक्षा पूर्वक के कथन को ही नहीं कहते हैं, जो वस्तु के अनेक स्वभाव को पृथक करके एक स्वभाव में ले आए उसे नहीं कहते हैं। बराबर। और उसमें एक बात ध्यान रखनी है कि वो एक ही वस्तु में होता है ये दोनों पे। कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? एक तो छोटी चीज ऐड करनी है कि छह द्रव्य को जो समझाता है वो आगम नए है। और अध्यात्म के नए में एक पार्टी हमेशा आत्मा होती है। हाँ और भी कुछ ऐड करना चाहेंगे जो आपने पॉइंट लिखे हैं उनमें? आप कोई और? ठीक है बहुत बढ़िया, मुख्य मुख्य पॉइंट आपने आए हैं, अब हम आगे लेंगे। और आरंभ के नई जी पुस्तक भी इधर है, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, जन्मानी स्थिति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते दो। जय जय नवा नमकार। एक और भी पुस्तक इसमें संक्षेप में है, ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं।